एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ड्राइविंग टेस्ट जो था एग्ज़ामिनेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिया है। तो वहाँ से मुझे जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और मैं आज फर्स्ट टाइम जो है उसमें एक चीज़ होती है कि आपको परमानेंट लाइसेंस जब मिल जाता है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं रोड पे, पर उसके साथ जो है आपके जो साथ में जो बंदा होगा वो ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो, मतलब उसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो तो साथ बैठा हो आपके साथ फ्रंट सीट पे, तो वो ज़रूरी है। तो और इसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन जो मेरा प्रोसीजर है वो ये है कि रोड टेस्ट है, उसकी डेट मुझे मिल चुकी है और वो मेरे पास जुलाई में है। तो रोड टेस्ट के बाद जो है फिर वो आपको रोड टेस्ट आप जब पास कर लेंगे तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको बना के दे देंगे, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे कनाडा में ड्राइविंग करने के लिए। ये है। और दूसरी बात ये ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी एक्टिविटी जो कनाडा में होती है उसको तो मैं बताऊँ, उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ उस वीडियो में ऐसा कंटेंट हो जो न्यू कमर्स के लिए हमारे फ़ायदा हो। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि वो जो भी न्यू कमर्स हैं जो कनाडा आना चाहते हैं तो लाजमी है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे, और जब गाड़ी नहीं चला सकेंगे तो बहुत सारे जो काम होते हैं, घूमना है फिरना है, तो बहुत सी एक्टिविटी आपकी नहीं हो पाती, तो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी। तो उसके लिए मैं आपको जो मशवरा देना चाह रहा हूँ, जो मेरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया का एक अपना होगा और पाकिस्तान के बारे में मैं ये इतना ही कहना चाह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर देखा है प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस का, वो ये है कि आप जो है एक तो इंटरनेशनल लाइसेंस बना के ज़रूर आएँ, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस से आप जब कनाडा में आते हैं तो उसमें आपको 3 मंथ का वो आपको शुरू के 3 मंथ आप ड्राइविंग कर सकते हैं कनाडा में। एक तो ये बात हो कि इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो 1 साल का बना के देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो पक्का जो आपका लाइसेंस होता है जो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं वो लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ, और वो लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ और वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन उसकी चेक करके आइएगा, मतलब उसकी एक तो डेट ऑफ एक्सपायरी डेट उसकी ना हो, दूसरा ये कि वो कार्ड जो आपने बनवाया है वहाँ पर वो कार्ड को अपने ऑनलाइन चेक कर लें, उस कार्ड को के ऑनलाइन चेक कर लें वो कार्ड ओके हो, उसमें मतलब ये कि वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नज़र आ रही हो कि हाँ भाई ये ओके। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि कार्ड हम किसी से बनवाते हैं या जो भी प्रोसेस होता है वो आपको सबको मालूम है, तो उसको ऑनलाइन ज़रूर चेक करें उस कार्ड को, और फिर वो लाइसेंस आप ज़रूर लेके आइएगा। इसलिए कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइम जो पाकिस्तान वाला है वो जो है सबमिट हो चुका है यहाँ पर मनीटोबा जो इनका डिपार्टमेंट है उनके पास है, वो अब उसकी वो चेक कर रहे हैं उस लाइसेंस को, वो अपना चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो मेरी मेलिंग एड्रेस मेरे घर के एड्रेस में वो मुझे रिटर्न कर देंगे। तो ये लाजमी है कि अपने साथ ज़रूर ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए, लाजमी है। ठीक है जी, ये तो एक कॉन्टेंट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता चली तो मैंने कहा कि मैं अपने जो वो उन न्यू कमर्स को बताऊँ जो कनाडा आना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया का भी चेक कर लीजिएगा, इसी तरह प्रोसेस होगा लाजमी बात है हर मुल्क, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही बहुत अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ये, क्योंकि इसका नया तरीका ये है कि आप जब नए हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो फिर वो आपको लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम आप लर्निंग पे होंगे, फिर लर्निंग के बाद फिर जो है काफ़ी टाइम जस्टिफिकेशन टाइम की बहुत लंबी होती है, फिर उसके बाद फिर मतलब इस तरह करके बहुत टाइम के बाद फिर आपको पक्का लाइसेंस मिलता है। तो ये तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमें आपको इन्फॉर्म करनी थी तो हमने बता दिया आपको।